क्यों मालिक, इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स का पैकेट भी ले लेते हैं। ले मालिक चिप्स का पैकेट। दर्द हो रहा है? हाँ पकड़ पकड़ ले तू, उसने बीच ले, कोई बात ना भाई। हम हॉस्पिटल आ गए हैं, इसको पेन होना स्टार्ट हो चुका है, फाइनल टाइम है। हैं भाई कैसा है? हाँ हाँ बस थोड़ा टाइम और है हाँ? ना बहुत दिन से कह रही आ नहीं रही आ नहीं रही आ नहीं रही, अब आ रही है ना। और मैं कल डॉक्टर को कह भी रही थी, जस्ट यू रिमेम्बर आई टोल्ड डॉक्टर कैन वी कम टुमारो एंड शी सेड नो आई एम बिजी। नो शी बिजी द फाइनल डे। What about yesterday also she told busy today no. also she said the Friday just cannot. Hi everyone, welcome to our another vlog. और मैं पहुंच गया हूं डिलीवरी सूट में, कोमल अंदर है तो देखते हैं क्या वो कहती है डॉक्टर। अभी वेट कर रहे हैं, चेकिंग चल रही है, फिर बताते हैं अपडेट। ये मेरे दोस्त आ गए हैं सुबह सुबह, वो सोने लग रही है, ये दांत फाड़ रही है। शी वेक अप नाउ, शी इज स्लीपिंग। शाबाश कोमल, पुश, यू कैन डू इट। हाँ हाँ यू कैन पुश टुगेदर, पुश, रोना नहीं है, बस वी साइन कर दे विक्ट्री। दर्द हो रहा है? हाँ पकड़ पकड़ ले तू, उसने भींच ले, कोई बात ना इसको ठंड लग रही है, इसको दो उड़ा दिया, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी, अभी आइए। इसको एनेस्थीसिया लगा हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया है, बेबी भी फिट एंड फाइन है। सो बूम हाउ यू फील नाउ बी आंटी? आई फील सो एक्साइटेड एंड नर्वस फॉर यू। शी फील एक्साइटेड बिकॉज़ शी वांट टू रुइन माय चाइल्ड नाउ। तो भाई एक्सपीरियंस क्या था? नाउ मम्मा बन गई है, हैं? यहां मत लगा वो है। अच्छा मम्मा बन गई, कैसा एक्सपीरियंस है? ठंड लग रही है? ओ अब मेरे वो हटा दूं? हां नींद का वो दे रखा है और दो दे रखा है, तब मेरा दिमाग सुन ने। मम्मा पापा अंकल आंटी, वेर इज क्यूटी? वो अपने नर्सरी रूम में, अभी से उसका एडमिशन करा दिया हमने नर्सरी में। बूम हाउ शी इज क्राइंग? शी इज क्राइंग लाइक डैडी। रोने पे मेर पे गई है, शक्ल में कोमल पे गई है। क्यों मालिक, इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स का पैकेट भी ले लेते हैं। ले मालिक चिप्स का पैकेट। मालिक एक चिप्स का पैकेट ले लेते हैं। हम तो हैं? एक दिन तो पूरा हो ही गया है ना, पूरा कुछ बिना कुछ खाए पिए, अब किस्म से आधा दिन और रहना है। मालिक खर्चा बहुत हो रहा है खाने में, जिसका जैसे कि सुबह से मान लो है हंग्री तो कल कल डॉक्टर आएगी, जब तक जब तक जब तक रहेगा। ठीक है मालिक, चिप्स खिला दूं मालिक चुपचाप से? बढ़िया, हमने बिस्कुट ना खवाए तेरे। कसम तो हम तो दे देते हैं, मैं तो ला रहा था बिस्कुट। डिप्रेशन को अवॉइड करना चाह रहे थे पर हमारी पैसे यहाँ चली ना, मार चली ना, अगर इंडिया होता ना तो कोमल तेज जैसे तो उठा के ले जाते, यहाँ तो उठाओ दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। चलो जो भी हो, अच्छा हुआ हम लोगों ने ये कही थी, हम भूमि बोल जा रहे हैं, हमें अंदर बात करनी थी मगर हम चेंज कर रहे हैं हॉस्पिटल, मगर डर ही जाओ ये मगर ले जाओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ले जाओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम नहीं ले जाएंगे। मगर चल छोड़ अब के। भाई इंडियन तो इंडियन रहे ना, ड्राइंग है हम तो नहीं।
चल कोई ना, सब बढ़िया हो गया एकदम में मस्त। अब चंगी हो जा, रेडी काफी के रेडी, वेलकम टू द न्यू लाइफ। एक बाटली और लगवाती है, देंगे पेन किलर तो भी है। देंगे, ऑक्सीजन का बाटला खत्म हो गया मालिक। जब्बा 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 कहाँ से आया, जब्बा जब्बा कहाँ से आया? लातूर से। मालिक गूंगा बह रहा है। वो सोचेगी नर्स के बावल वाले। जो भी लाना मालिक, चार लाना जो एक दो तीन चार मालिक आरी मिलेगी। मालिक आरी मिलेगी, मालिक आरी दे आरी लाओ, ये खाया नजारा मालिक। मालिक आरी मिलेगी काटने के लिए। देख हमने जो मंगवाए, हम चार थे, 1 2 3 4 हमने 5 सब भी मंगवाया। मक्कू हमने बुढ़िया का मंगवाया। हाँ वो हमने तो मंगवाया था भाई, सब हनी देख ले। हाँ उसके लिए हमने वो मंगवाए थे, हैश ब्राउन। हाँ देख ले जब्बा जब्बा, ठीक है ना जब्बा। तो भाई कोमल से सुनते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा भैया, आज का एक्सपीरियंस। बहुत बेकार था। हैं? बहुत बेकार था, बहुत बेकार था। ये फीलिंग तो कोई सिर्फ एक लड़की ले सकती है, हम जैसे बदनसीब कहाँ ले सकते हैं बताएं। हाँ तो अगले जन्म ना, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो, ठीक है, और तो है बेटा की जो। आपको पता है कि मैं रात के 11 बजे फिर 2, मतलब हम मेन कह सकते हैं 2 बजे, रात के 2 बजे से लेके शाम के यहाँ के 6 बजे, 6 बजे तक मैं कैसे तड़पी हूँ समझ सकते हैं। और फिर भी भाई बहुत स्ट्रगल किया इसने, कोशिश की कि नेचुरल डिलीवरी हो जाए, बट नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई किसी रीज़न से। रीज़न से क्योंकि शाम को 11 बजे कल वोटर, हाँ रात को ही, मतलब रात के 11 बजे वोटर ब्रेक हो गया था, तो धीरे 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 निकल के 6 बजे तक हमने कोशिश की कि भाई किसी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो जाए शाम के 6 बजे, सुबह का नहीं शाम के 6 बजे, यानी कि ये समझ ले 19-20 घंटे। तो कोशिश भी की, दर्द भी हुआ, कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ, बट वो फिर 6 बजे आते आते सारा पानी निकल गया। वो ये तो क्या, वो दर्द तो प्रॉपर थे, कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्शन पूरे थे, पर डाइलेशन नहीं हो पा रहा था पता नहीं क्यों, और फिर एट द एंड वो सारा फ्लूड निकल गया था, तो ऑक्सीजन कम चली गई थी बेबी की, तो उन्होंने फिर ये स्टेप लिया कि ठीक है अब हम वेट नहीं कर सकते, अब हम जाते हैं। आप लोगों को वो दे दिया था लास्ट की अल्टीमेट दे दिया था हमें कि भाई करो या ले जाओ, ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमने दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा आप ले जाओ बट अपने रिस्क पे। तो भाई हमने उनको ना इंडिया की तरह डरा भी दिया था, हमने अल्टीमेटम दे दिया उनसे कि हम अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल, तुम तो हमें पागल बना रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाओ, हमें कोई इशू नहीं है, और एक पेपर दे दिया कि उस पर साइन कर दो कि भाई हम अपने रिस्क पे लेके जा रहे हैं, अगर कल को कुछ होता है हम हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं करेंगे, यहाँ ये रूल है। तो उन्होंने उठा के फॉर्म दे दिया, हाँ, और उन्होंने एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अपना ले जाओ अपने रिस्क पे दूसरे हॉस्पिटल। तो फिर हमने सोचा छोड़ो यार, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आना जल्दी से हॉस्पिटल दूसरे लेते नहीं, क्लिनिक नहीं है यहाँ, यहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं, वो जब तक उनके पास अब उनकी हिस्ट्री नहीं होती एटलीस्ट 2 मंथ की, तो वो रखते भी नहीं है, वो एडमिट भी नहीं करते, वॉक इन नहीं लेते वो, और स्पेशली वॉक इन फॉरनर हो तो बिल्कुल भी नहीं लेते। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है जो डॉक्टर कह रहा है वो कह ही रहा है किसी रीज़न से, तो कुछ कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे इंडिया में है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी का ये और सी सेक्शन का फिर ट्रिपल अमाउंट दे दिया, यहाँ सिर्फ 10-12 हज़ार का फ़र्क है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई ये लूटने के लिए कर रहे हैं, नहीं पर ठीक है हो रहा था, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर ली है, आँख पे लाइट आ रही है, मैं लाइट बंद करता हूँ भाई, इसकी आँख पे लाइट आ रही है, एक लाइट बंद करता हूँ, ठीक है लाइट हो गई है बंद। पर मेरे को लगता था कोमल स्ट्रगल नहीं कर पाएगी, बट जो आज तूने किया भाई वाह, हैट्स ऑफ। अल्सर में नहीं करा था मैंने, अल्सर में भी करा था पर आज कुछ ज़्यादा, मैं भाई मतलब छोरी ने दर्द बाद छुपा के आंख में आंसू नहीं लाने दिया। कल रात को 11 बजे, इसने 11 बजे कहाँ, 9 बजे, 9 बजे खाया था खाना, उसके बाद से कुछ नहीं खाया अभी तक, और पानी पिया था सुबह
सुबह के 6 बजे उसके बाद से पानी भी नहीं पिया है। देखो 24 घंटे से ऊपर हो गया, कुछ खाया अब भी नहीं खाना, कल भी नहीं खाना। नहीं अभी भी नहीं खाना, कल जब डॉक्टर आएगा जब खाना है। वो भी लेट आएगी। हाँ जो भी जब भी आए, जो भी आएगा वो तभी खाना है। और हिलना भी नहीं है ऐसे, और हिलना नहीं है ना, करवट ले सकती है मतलब, ऊपर नहीं ले, ऊपर नहीं करना तेरे को। नहीं उसने बोला है दैट इसी पोजीशन, इसी पोजीशन में लेटना है। और हमारे बेबी को भी इन्होंने किडनैप करके नर्सरी में रख लिया। मेरे को जब दिखाया ना, क्योंकि मेरे को उस वक्त एपिडुरल दे रखा था, और जैसे सी सेक्शन में तो वो पर्दा लगा देते हैं ना, और मतलब सुन रहता है सब कुछ, और मेरे को ऐसे गहर सा चढ़ता आ रहा था ऐसे ऐसे। अच्छा वो जैसे वो रोई वो ही वो आप पैरों ने फेंकड़ा फाड़ दिया। हां तो अच्छे है ना, पापा पे गई है। ठीक है उसके बाद उसको यहां लेके आए इधर की साइड जैसे दिखाने के लिए, उसके बाद उसको मेरे को वो देना था नींद का इंजेक्शन ताकि मेरी बॉडी रिलैक्स करे। और मेरे को दिख नहीं रही, वो ऐसे मेरी आंखें झप झप कर रही थी। मेरे को नीचे तो लाओ इसको, मतलब फेस तो दिखाओ, और फेस जैसे फेस, और रोए जा रही। वो इसलिए रोई थी उसको पापा से मिलना था। हां फिर उसको यहां लेके आए ना बिल्कुल, फिर चुप हो गई। पर उन्होंने मेरे को दिया नहीं, वो तो बॉक्स में ले गया है, और बॉक्स में लेके वो इनक्यूबेटर है। हम ना फिर हमने तो बॉक्स लग रहा था, वो उसमें ले गया है, और वो सीधा ले गया वहां नर्सरी में। मार तो दिए भी ना, गोदी में भी ना लेने दी। वो इन्फेक्शन की वजह से, वो नया बच्चा है शायद, और वो वहीं अंदर कैद कर ली। और फोटो मतलब फोटो भी आप शायद दूर से खींची ना, खींचने दे रहे, और अंदर ही कैद कर ली। हां आगे नु कह रहा 3 दिन रखेंगे, 3 दिन गोदी में हम लेने दे। मैं ना भाई मैं ना ऐसा थोड़ी हो रहा है। पर क्या नाम है, जैसे वो मेरे पेट में मारती थी ना, वैसे उसने हंगाई मचा रखी गोदी में भी, और वहाँ भी उसमें शीशे के ग्लास में। और एक चीज और, इनक्यूबेटर के वहाँ पे नर्सरी में ना कितने बच्चे हैं टोटल? वहाँ टोटल 5 बच्चे थे। 5 बच्चे हैं हमारी को मिला के, 4 तो आराम से सो रहे हैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शांत, और उसने हल्ला मचा रखा है वहाँ पर। इतने दिन से इतनी छोटी जगह में, तो वो उसको खुला खुला महसूस हो रहा है। तो कल मे भी शांत हो, कल वो स्वेडल में बांध बूंद के बैठा देंगे। वहां पे नर्स थी, और गोदी में स्वेडल बैठा कर गोदी में खिलाने लग रही। समय ठीक है, बढ़िया है। तो कल वो सुबह दिखाएंगे। आप लोग पे एंट्री नहीं है? एंट्री तो किसी की नहीं अंदर। वो मेरे को कह रहे थे तेरे को वो जो लेके जाएंगे कल, लेके जाएंगे वो दूसरा दरवाजा है। अच्छा। उसमें से लेके जाएंगे, वहाँ तेरे बेबी को लेके आएंगे, वहाँ फीड कराएगी। अच्छा। मेन नर्सरी में नहीं जाने देते किसी को। मैं तो आनंद सोच रहा हूँ मेरे बेबी ने बदल ना दे कद, मैं तो वहीं खड़ा रहा हूँ, डैडी वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है तो सब कुछ ठीक ठाक अभी तक तो ठीक है, वो जैसे जैसे गैर उतरेगा जब पता चलेगा। तो गाइस थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग आल्सो। तो भाई फाइनली हमारी बेबी आ गई है, और जल्दी से हम उसकी मुंह दिखाई करेंगे। अभी नहीं, अभी तो दिखाते नहीं है ना बच्चे को, अभी नहीं, मतलब 1 महीना 40 दिन ना, छठी के बाद देखते हैं, बट हम दिखाएंगे। तो भाई सब ब्लेसिंग दो इसको, कॉन्ग्रेचुलेशन दो, और बेबी को ब्लेसिंग दो, ठीक है। उसके 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 प्यास लग रही है। उसके मामा को बताई मैंने, एलविश को, मगर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मामा बन गया। रहू इवेंट में था वो, कोई रेवाड़ी वेवाड़ी, कह रहा हो वेरी गुड थैंक यू आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन जी अजी, सब ठीक ठाक है, कोमल ठीक है, बेबी ठीक है, सब ठीक ठाक, वहाँ सब ठीक है, आ जा चल अब तू सो जा, ठीक है, बाय कर दे सबको। हाँ कोई ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तू लेट जा, बंद कर, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, टाइम हो गया, 1 बजने वाला है। भू तो ये दे तो रखी तेरी बाटली है, बाटली सब चिप्स चिप्स ले। मालिक जब मालिक की मालिक इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स भी दे दे, एक चिप्स दे दूं मैं, मेरे को बस चिप्स लेती, मैं डायलॉग मार दिया उसे। हाँ चल भाई तू आराम कर, है सबको थैंक यू बोल दे, थैंक यू। और अगर किसी को सी सेक्शन के भाई एपिड्यूरल क्या होता है, किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। एक्सपीरियंस होल्डर हूं, एक्सपीरियंस होल्डर हो गई अब ये, है ना। ओके गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग आवर व्लॉग्स, एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग।